सो वेलकम बैक गाइस, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं स्ट्रोम शक्ति। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो वीडियो का टॉपिक है, आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता लग गया होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं बताऊंगा अल्टीमेट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हयाटो कैरेक्टर। सो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा 5 पॉइंट मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपको पता लग जाएगा नॉर्मल कैरेक्टर से कितना पावरफुल कैरेक्टर है हयाटो कैरेक्टर, और आपको इसको क्यों यूज करना चाहिए। इस वीडियो में आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, बढ़ते हैं हमारा वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के तरफ। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है गोल्ड कैरेक्टर, यानी हयाटो कैरेक्टर गोल्ड में अवेलेबल है, यानी फ्री में मिलता है। गोल्ड आपको गेम खेलने से मिलता है, फ्री में गरेना देता है, और आप इसी गोल्ड से हयाटो कैरेक्टर को रिडीम कर सकते हो फ्री में। सो गाइस, इस बेस्ट कैरेक्टर को रिडीम करने के लिए आपको 8000 का गोल्ड लगेगा, जो कि एक दो दिन में आपको खेलने से मिल जाएगा फ्री में। कुछ इस तरीके से मैंने जिस तरीके से रिडीम किया, आप भी इसको रिडीम करके फ्री में ले सकते हो। सो गाइस, वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल में वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दो, और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल में सेट कर देना। आप ऑल में सेट करोगे तो हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहते हैं रेगुलरली हमारे चैनल में, आप आके देख सकते हो। और गाइज, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो भाई लोग। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फ्री एक्टिव स्किल कैरेक्टर, यानी आप अगर हयाटो कैरेक्टर को परचेज करते हो उसके साथ आपको इलाइट हयाटो फ्री में मिलता है। छोटा सा कुछ टास्क दिया जाएगा आपको कंप्लीट करने के लिए, और आपको इलाइट हयाटो भी फ्री में मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपके पास कोई भी एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर नहीं है, यानी अलोक नहीं है, के नहीं है, क्रोनो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इलाइट हयाटो को भी यूज में ले सकते हो। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है इलाइट हयाटो, और हयाटो का डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। वीडियो जाके आप चैनल में, हमारे चैनल में देख सकते हो इसका स्किल क्या है, कैसे वर्क करता है, आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हयाटो कैरेक्टर का रियल यूज क्या है। अगर आप हयाटो लेके जाते हो और सामने वाले के पास हयाटो नहीं है, तो आपके पास क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, और सामने वाला एनिमी के पास क्या क्या डिसएडवांटेज रहते हैं। सो गाइस, यहां पे देख सकते हो मेरे पास है हयाटो का स्किल, और सामने वाला एनिमी जो है मेरा दोस्त, उसके पास हयाटो का स्किल नहीं है। अभी आप इसका विजुअल से देखो, एनिमी के विजुअल से वो मेरे को डैमेज दे रहा है, कितना डैमेज पड़ेगा, और मैं उसको डैमेज दूंगा तो उसको कितना डैमेज पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो एनिमी के पर्सपेक्टिव से वो मेरे को डैमेज दे रहा है बिना हयाटो के। फास्ट जो गोली मेरा 37, उसके बाद जो गोली लगा 45। सो गाइस, जब भी देख सकते हो मेरे पास हयाटो कैरेक्टर है, मैं उसको डैमेज दे रहा हूँ तो 67 फास्ट गोली, उसके बाद और एक 67, और थर्ड नंबर गोली 67। बिना हयाटो के जो वो गोली चला रहा था मेरे ऊपर, फर्स्ट डैमेज थी 30, उसके बाद 37, उसके बाद 45, बट जो मैं हयाटो के साथ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो बुलेट है फर्स्ट गोली 67 लग रहा है, सेकेंड गोली 67, और थर्ड गोली भी 67 लग रहा है। फिर से और एक बार देख सकते हो, मेरा दोस्त ने बिना हयाटो के मेरे को डैमेज दिया, 101 का फटका लगा, फर्स्ट फटका जो है लेवल 3 वेस्ट में। नहीं दिखा तो मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो सेम सिचुएशन में मेरे पास हयाटो कैरेक्टर है, और अभी मैं फटका लगाऊंगा, 141 का फटका लगा, 141 का, बिना हयाटो का जो मेरा दोस्त मेरे को गोली चला रहा था AWM का, मेरे को लगा था गोली 101 का, यानी 101 का, अभी मेरा जो गोली लग रहा है 141 का। सो गाइस, हयाटो कैरेक्टर का काम क्या है, वेस्ट को वो वेनिट्रेट करता है, यानी बिना वेस्ट के ही एनिमी को डैमेज देता है, इसीलिए वो जो है ज़्यादा डैमेज दे पाता है, जैसे कि 141 दे पाया। और जो नॉर्मल कैरेक्टर क्या करते हैं, उनका जो है गोली वेस्ट पे लगता है, उसके बाद कैरेक्टर पे लगता है, इसीलिए वो कम डैमेज देते हैं। सो गाइस, हयाटो कैरेक्टर जो है वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है फ्री फायर का। अगर फ्री फायर बंदे 100% होंगे तो 70% जो है हयाटो को यूज करते हैं, और बाकी जो 30% बंदे इस वीडियो को देखने के बाद श्योर हयाटो कैरेक्टर को यूज करने लगेंगे। सो गाइस, वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया आपको। चैनल मैंने वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये फ्री है, और आप एक छोटा सा लाइक कर सकते हो। आपका छोटा सा लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी ला पाते हैं आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अट्रैक्टिव लुक। आपको हयाटो कैरेक्टर क्यों यूज़ करना चाहिए? आप अगर के कैरेक्टर को यूज़ करते हो, आपको पता होगा इसका गंदी सी शक्ल है भाई लोग, सॉरी जिसको पसंद है के कैरेक्टर, बट इसका स्किल अच्छा है, बट इसका सिर्फ फेस है वो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, और बहुत सारे बंदे को वो भी पसंद नहीं आता है।
सो गाइज मैं बोल रहा हूँ आपको हायाटो कैरेक्टर के अंदर में के कैरेक्टर को यूज करने के लिए, यानी हायाटो का स्किल रहेगा और आपको के कैरेक्टर के स्किल के अंदर, स्किल स्लॉट के अंदर डालना है। और हायाटो देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव कैरेक्टर है, कितना अच्छा दिखता है बिना जो है वॉल्ट के, यानी बिना फेस मास्क के भी वो अच्छा है। इसका हेयर स्टाइल देख सकते हो बहुत ही अच्छा कूल लगता है बंदा, आप इसको भी यूज में ले सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर है, वुकोंग जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस कैरेक्टर का भाई वही सीन है, वो जो है लॉबी में तो शोर मचाता है अलग बात है, और इसका जो फेस है वो भी अट्रैक्टिव नहीं है, इस बंदर के जैसा रहता है, और भाई इसको जितना भी चेंज कर लो वो चेंज नहीं होता है। अगर आप वुकोंग के जगह में जो आप हायाटो के स्किल स्लॉट में वुकोंग को लगाते हो तो वुकोंग का एबिलिटी भी रहेगा और हायाटो भी अट्रैक्टिव दिखेगा, और आपका जो एक गोली में दो शिकार हो जाएगा। ये जो पिटा है ना, ये मैन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है, इसीलिए समझ रहे हो ना, बस यही है। सो गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा हायाटो के साथ। मैं जो है 2-2.5 साल से गेम खेल रहा हूँ, मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो उसमें हायाटो कैरेक्टर का स्किल मैंने सारे वीडियो में यूज किए हुए हैं, यानी हायाटो के बिना मैं खेलता ही नहीं हूँ। गोल्ड में आपको इतना अच्छा कैरेक्टर मिलता है तो आपको क्यों नहीं इसको यूज करना चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा हायाटो को, आपको मस्ट है, आपको यूज करना चाहिए, यूज करके देखो, मेरे को कमेंट करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अच्छा सा कमेंट कर देना, बुरा लगा तो बुरा कमेंट करके जा सकते हो, और किस टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ स्टे होम।